राम। गौर करेंगे भैया हो बारे हमारे देश के जवान लड़ते रहे अंग्रेजों से, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। ये वो दिन था, ये वो समय थी जब अंग्रेज भारत में आए। हमारी माँ बहन भी सुरक्षित नहीं थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं सुरक्षित थे, आम जनता जनमानस नहीं सुरक्षित था। लेकिन जब देशवा आजाद हो गए, इतना कष्ट के बाद, इतना बलि के बाद, जब हमारे देशवा आजाद भल, ऐठे देशवा में आग लगल। कौन आग लगल? ऐठे गजल का टुकड़ा है मास्टर। बिरहा का वो माहौल रहल जब राम दोस्ताद गावत रहल। भैया बतौलन कि आज लेडीज ना तो हम हना में हो जा। हे भैया मरद है मेहरारू बने बा, तो मर मजाक बदे हो, तनी मनी हम तोहरी पला ले ली, तू हमारी पला ला। लेकिन बनावटी तो बनावटी होता है। रामदेव उस्ताद के जवाब देव लगे थे लेडीज, सवाल कैलस का सवाल कैलस बाबा का। अरे मनाजे हुसन हूँ, अरे अब तू मेरा यतराम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। अरे तो खूब न कटी कट्टा होकर पहले के गौया लोगन, तो जवाब दे उस्ताद खड़ा भी ना, तो का जवाब देते। अरे तुझे सलाम, अरे तुझे सलाम, अरे करेंगे मगर ये काम करो, अरे तू अपनी मस्ती जवानी हमारे नाम करो। एंटरटेनमेंट हो गए, लेकिन देशवा आजाद तो भैल हो बाबूजी, लेकिन देशवा में ठे आग लगल। कौन आग लगल? अरे लगी थी आग, अरे लगी थी आग, अरे जब जिंदगी जलाने लगी, अरे जब जिंदगी जलाने लगी, आग नफरत की भाई भाई को मिटाने लगी।
है भैया आग यह लगल द्वेष का भावना कर भाइया भाई लड़ गए मजहबी तौर में असाधारण अंजाम हुआ हिंदू मुस्लिम दोनों बीच कत्लेआम हुआ कयामत ही कयामत ने जहां मजबूर किया दूध पीने वाले बच्चों से मां को दूर किया बहन भाई सुहागनी सुहाग खोई जो चमन ऐसा उजड़ गया जहां मैं रोई लाल पांडे जी दुआए खुदा से मांग रहे लाहौर से बीबी बच्चों को लेकर भाग रहे जीवन ने बीबी बच्चों से साथ दूर किया जीवन ने बीबी बच्चों से साथ दूर किया भागी जिंदगी मानो जी सब कुछ लूट लिया ऐ भैया जिन्नवा खुले आम कहलस गांधी जी अगर देश का बंटवारा करना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए जिन्ना आवाज उठाने लगा कुछ मुस्लिमों को लेकर के ना बनावल गल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए ए भैया देश में एक आग फैल गई बंटवारा का आग जब फैलल है तो आखिरकार जिन्ना देश को बटवा ही दिया भारत जब बट गया तो यह सो हो गया कि जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं हमारे भारत के जवान हो हमारे भारत के बुजुर्ग हो भारत की माताएं महिलाएं बहनें हो वह स्वेच्छा से रह सकते हैं अगर आना चाहते हैं तो स्वेच्छा से आ सकते हैं ए भैया कुछ लोग वहां से चला लगलन कि हमार भारत माई धर्मधारी हमार धरती है हम भारत में रहना पसंद करेंगे भारत में मरना पसंद करेंगे कुछ लोग ये सोचल एक ट्रेन चलल अमृतसर टू लाहौर लाहौर टू अमृतसर गदर पिक्चर आप लोग देखले होगा सनी देओल के कैसे लसिया काट काट के पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के हिंदुस्तान में भेजल लाहौर में वो ट्रेन लगी दंगा हो गया मुस्लिम ने कहा कि जितने हिंदुस्तानी हो चीर दो फाड़ दो मार दो काट दो ले ले के तलवार फोकियावे लगलन हो भैया गाड़ी में जितना लोग बैठल हलन एक भी शख्स जिंदा नहीं पाया गया जब ट्रेन अमृतसर में आई सारे लोग मर चुके थे भारत दहल गया साथियों कि बारे गद्दार भाई हो तो तुम भाई लेकिन इतनी गद्दारी करते हो इतनी क्रूरता करते हो आज भी जैसे पाकिस्तान क्रूरता करता है दोगलापन जिसे कहा जाता है उसका जमन करता है बम धमाका करता है आतंकवाद फैलाता है उग्रवाद फैलाता है ठीक उसी तरह उस दिन भी हुआ वही ट्रेनिया में वो परिवार चढ़े बदे चलो बिहार का रहे वाला लाल पांडे एक महीना का उनकर मेहरारू दुई गो बटवा पैदा कर ले रहे आ दोनों लड़का जुड़ुआ माई लड़कवन के अचरा में छुपोले ही कि कहीं मुसलमान न देख ले अगर देख लिए तो हमरे हीरा लोगन के मार दी है एक हाथ पकड़ ले हुआ लाल पांडे अपने मेहरारू के लेके जात हुआ तब तलक एक टोली मिल गई नाके पर देखे सब कहे मार दो सालों मार दो इस औरत को बच्चा ली है ना बच्चे को भी जान से मार दो लाल पांडे को गली की तरफ भगलन है अब भागे में लाल पांडे का हथवा उनकी मेहरारू से छुट गया कहां गए लाल पांडे उधर की बात छोड़ रहा हूं उनकी दुल्हन दोनों बच्चों को गोद में लेकर के भागते भागते कहां पहुंची एगो मस्जिद के करीब पहुंच गई मस्जिदिया में से के मौलाना देखत हो हाफत पहुंचली है तब ले देखल सवाज धलस कल रुक जाओ कहां जा रही हो कहां की रहने वाली हो झर 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 रोवत थी हो वो हिंदुस्तानी औरत दुल्हन
दोनों गोदिया में लड़कन के लेके झर 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 रोवत थी। जब रोवे लगल है तो वो मुसलमान कौन था? हाजी अनवर नाम का मौलाना था और धीरे धीरे बुलाना शुरू किया। कैसे वो मौलाना बोलौलस भाव लगल है, गीत कौन है? कौनो मेहरारू अपनी मर्दे से कहती है का हो कि पिया बारे सऊदी कैसे, अरे कहावर उठाई बरे भौजी, भौजी रे कैसे लके ना देव भंजाई परे भौजी, लेकिन वो मौलाना क्या कहा है जरा गौर करेंगे बाबूजी जी, बिरहा सुनने वाला पूछो। हाजी अनवर देख के बोला दिल के दर्द आए बहिनी, अल्लाह पास मंदिर मस्जिद आए बहिनी, रो रही है, पिघल गया वो मुसलमान मौलाना, कहा कि रे बहन रोना नहीं, रोवा मत, काहे रोवा तड़ू, जल्दी से भाग आवा भैया, अगर हम ना भागत थी ना भैया तो ये पापी मार दिए भैया, हमहू के मार दिए, हमरे लाल के भी मार दिए भैया। हाजी अनवर बुला लिया कला के बहिन, तब डरो मत, आज से हम तोर धर्म का भाई है, तय हमार धर्म का बहिन बहिन हो गई, तोहर जान बचा दे और तोके बाइज्जत हिंदुस्तान भी भेजवा देवे। बड़ा हर्ष भेल, तनी जान में जान आयल है, तुलन रो रही है कि भैया कैसे भेजो, वही बात ई पापी हमार जान ना छोड़ी है, कल के बहिनिया तय हमार बहिन हो गए, हम तोर भाई भेजवाई तो जरूर, लेकिन एगो हमार मांग बा, एगो हमार शर्त बा। बहिनिया कल भैया कैसन शर्त? कलस किया बहिनिया, हम कुछ मांगत ही हमके दे देबू भैया, काहे ना देबे तो क्या बिल्कुल देबे, जोन मांगला ए बहिनिया ओ मंगला के बदला में तो के हिंदुस्तान बाइज्जत भेजवा देबे, ई हमार एगो भाई का वादा है। वचन बना करके वो मुसलमान भाई हिंदुस्तान की वो दुल्हन से क्या मांग रहा है, वो नारी से क्या मांगले है? एही मासा जीतिया में बचले पूजना हो, हमारो के मालिक नहीं थे दिहले संताना हो, के देता बहिनियों, आय हाय
माई का करे जवाब धक 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 कर कि भैया हमार कहा मांगत हुए का मंगल वो मुसलमान जवान क्या मांग रहा है छोटका के दे दरे जवान बात तो हरी गोदिया है बहिनी हो अल्लाह पास मंदिर मस्जिद आए बहिनी आए हाय 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 आज वो भाई बचन बना करके बहन से कहा कह रहे बहन तेरे गोद में तो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ए बहनी हमारे भगवान कोनो औलाद नहीं देलन शादी भी हमार भइल हमार दुल्हन मर गई लेकिन हमके छोटका लइकवा अपन देदा बहन एकरा बदला में तो के हिंदुस्तान भेज देव माई आंचल में लेके चुरावत है कि कहा मांग देला भैया कल ए बहनिया तोरे बेटवा के मारब ना तोरे बेटवा के नाम देबरे सयान करब बड़ियार करब ओके पालब पोषब जवान करब नाम देबे हमरे बुढ़ौती के सहारा हुई है बार वो भारतीय नारी जवान तो दे चुकी थी वो भी पाकिस्तान में एक मौलाना को माई हार के आज अपना बेटवा के माई कैलस का गीत बदलत है मास्टर वह गीत है कोनो मेहरारू रपट लिखवावे चल गए थाने में कलश किए दरोगा जी हमारा राजा जी हरा गए कलश दरोगा जी पूछत हो कैसे हरा गए ना तो बतावो थी बतावो थी अरे सची सची जिया दरोगा जी हो अरे दरोगा जी हो चार दिन से सैया बान पता करो आखिर हार के ओ माई कैली का पाथर का चट्टान जैसा पाथर का चट्टान जैसा करे जवाब बनाई तुहे माई हो हीरावा के दिहाली थमाई तुहे माई हो आज अपना छोटका हीरा के मोती के लाल के ओ मौलाना के आंच माई हाथ में दे दिली हा पाथर का करेजा बना के चल ली हा किसी तरह से वो बॉर्डर को पार करवा दिया वो मौलाना माई के बॉर्डर पार करवा दिलस अपने बच्चा के एक ठे लइकवा के लेके माई अली कहा ओ
मीरावा के दिहाली थमाई उहे माई हो। भारत में माया आती है कहां, दिल्ली में मालवीय नगर में समान नागरिक बनकर के अपने बच्चे को पालन पोषण करने लगी। धीरे 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 लइकवा का नाम माई का रख ली हा रणजीत। रणजीतवा धीरे धीरे सयान होके लागल। माई सिलाई बुनाई कटाई मजूरी करके अपना बचवा के पढ़ावा लिखावा का काम करे लगली। जब जवान हुआ भैया 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 शांति रहे, जब जवान भयल हाई स्कूल इंटर पास कैलस, माई के एक दिन हाथ पकड़ ललस कि माई बहुत हो गल, कटाई बुनाई सिलाई कढ़ाई करत है, हम जवान हो गई माई, अब हम कमा के लिए आई, तू बैठ के खेबो। ए भैया माई ऐसा लगल कहलस कि बाबू भाई तो तू नदान मेरे हीरा, भाई पढ़ा लिखा बेटा अभी कुछ बने के तो के कुछ बनाई बेटा। ओकरे दिमाग में एक का बात घर कह गई कि माई हमार काम करत है, हम जवान हो के मोटाए के मुस्टंडा भेल है, हम माई के कमाई हम घरे बैठ के खात है। ए भैया ये पंचो बिरहा सुने वाला लोगन मारे बेटा, एक दिन बेटा दिल्ली में भैया दिल्ली में एक दिन खुली भर्ती होत रहल, केंद्रीय फौज की पुल भर्ती हो रही थी, कॉलेज की राह मन बड़ा लोग लाइन लगलो, हम अहू लाइन लगा ले, लंबा चौड़ा सीना शरीर एकदम गठैला, कॉलेज की हम अहू चली का जानी भर्ती हो जाई ना खुदा ना खास्ता, खुली भर्ती होत बा ओमे खड़ा हो गेल। ए भैया नंबर आयल खुल ना पल्ला कला जाओ बेटा पास हो गए भर्ती हो गयल फौज में भर्ती हो गया। ले के वर्दी वर्दी वहर से आयल माई के गोड़ परलस पूरा खखाई के हम माई हसली हैं, आ माई जितना हसली है कल माई खुश है ना, माई हंस के एक बेरिया खखाई के हंस के आ माई रोवे लगली है। वो का है माई जब रोवे लगली तो कल माई का हमरे भर्ती से हमरे फौज में भइला से तो के खुशी ना माई, खलस की नाही बचवा ऐसा बात ना तब बतावे के पड़ी कि माई तो के दिक्कत का है। माई रो रो के एगो बात कहे लगल, का कहले है गीत लगल है गीत कौनो पुरान ना होले ढुकू भैया, वो जितना पुरान होले जैसे गुड़ जितना पुरान होला उतना मजा देला, भेली जितना पुरान होले सिरका का काम आवे वाला भाई उतना दवाई का काम कर ले तो वही तरह गीत हो, जितना पुरान लगे उतना मीठ लगे ले, कनो मेहरारू को मन से दू कमाए चल दे जाए के खड़ी हो गई भोर कबेला जखिनिया से ट्रेन धरे के सोचा 3 किलोमीटर ढाई ललस जाए के खड़ी है मुड़ी नीचे कैले मुंह कैले कल कहा रे कैसन हुनका थे कलस की हुनका थे उ कहथे ना कि तू जात हुआ का कलस के भाई तो के पता ना चला हम कुल बोरिया बिस्तर बांध ले हम जात है कमाए कमाई ना तो खैबू का कद मन को थक मत जा तो चल जाइबा कलस की हां हम चल जाई कल तू साथ चल चल जाइबा का हो तो कलस की ना जाइब ना तो जन घूरा थियो ई कहां से आई कल तो हम कैसे रहब बाबू भैया ना हमरे कलस की बाबू भैया हम भैया भैया हम माई भैया बहनिया भैया कुल भैया हो तो के इतना भकौना भूत आओ था काटत है कलस कलस की मेहरा लोग तरह तू ना न जनबा तो रोवा लगल रो रो के कलस की ये सैया जात हुआ ना तो एक ओरिया मत जइहा के हर कलस कहलस की पछुओ जही हऊ तरो जही हखिनो जही
कहलस की एक वरिया मात जय है राजा जी हुक्का फरत हुआ और तन पुक्का फरत हुआ यो बुक हो गया हम तक कहलस की रोई मरब ये राजाऊ अरे रोई मरब ये राजाऊ जाई बाजब पुरु के देसावा सीना चौड़ा करे के चाहिए हमार लड़का देश के कामे आई तू रोतालू काहे रोतालू माई तब माई बताओ लगे का कहले हा रोई रोई हो माई काटली जीवनिया आपन कहे बदे रो थी रे बचवा छोटका बेटा कैसे हो आई छोटका बेटा कैसे होई बनी के पाकिस्तानी आया पन रोई रोई हो माई काटली जीवनी आया कहलस कैसा कहलस के ये बचवा अच्छा बड़ी भारी भूल हो गई ल बेटा कहलस कैसन माई कहलस की तुहार छोटका भैयावा हो कहा हम आई माई ए बतिया के भूलवा दिलस बात को यही दबा देती है वो माँ एकरी बात अब वो लड़कवा पाकिस्तान वाला लड़का जो हाजी अनवर को माई देख आई लहल माई जो ने खाती रोवत है वो लड़का वो लड़कवा जवान हो गई जवान हो गया पाल पोस करके मौलाना हाजी अनवर बड़ा कर दिया अब को वही तरह सीना चौड़ा लंबाई गुड़े चौड़ाई बराबर है बढ़िया है कठैला हल्लड़ा था वो पाकिस्तान के पलटन सीमा में जाके वो फौजी जवान हो गए दोनों पढ़ी के दोनों भाई रहे दोनों पढ़ी के दोनों भाई रहे फौजी सिपहिया हो भारत की ओर से फौजी जवान
एक लड़का पाकिस्तान की ओर से फौजी जवान, वही समय सन 65 आयल है और लड़ाई का बिगुल बज गया, पाकिस्तान और भारत आमने सामने हो गया, चारों तरफ से गोलियां तड़तड़ाने लगी कश्मीर की वादियों में, दोनों तरफ की सैनिक, दोनों तरफ की सेना अपने में भिड़ गई। बाबूजी बड़ा तंगदारी से युद्ध चालू भेल है। जब पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आयल तो वहां का दृश्य कैसा रहा है, गीत का लाइन बदल के मास्टर वह गीत है। कोनो मेहरारू अपने मरद से कुछ मनसधी से मंगल रहल कैसे आज कश्मीर का हाल काबा, उपादी में बम धमाका हो रहा बा, गोलियां तड़ताड़ तड़ताड़ कर रही है, क्या दृश्य है वहां का। बाप रे बाप, भारत की सेना के एक एक वीर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वही 65 की लड़ैया में वीर अब्दुल हमीद भी रहल ललकारत हो कि बढ़ जाओ वीरों, नस्ते नाबूद कर दो पाकिस्तान को, मटिया नाद कर दो, बहुत जात हो वीर। अब वीर में रणजीतवा है, आगे आगे राइफल ले ले तड़तड़ावते आगे बढ़त चल जाता है। अरे वीरता के जंग में दिखावे जवान, दुश्मन का छक्का छोड़ावा जवान, रणजीतवा गोलियां चलावत 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 एक ठे गलती कर दलस। कौन गलती कैलस पंचो? अरे सरहद पे रणजीत घेरायल जवान, अरे सरहद पे रणजीत घेरायल जवान, रसीदा के हाथे धरायल जवान, रणजीतवा गोलियां चलावत चलावत कब पाकिस्तान के सीमा रेखा के अंदर चल गए पता है, नहीं चलल, पकड़ लिए पाकिस्तान ने। और पकड़ता कौन है? रसीद नाम का वो फौजी जवान कौन था? वो है हाजी अनवर मौलाना का लड़का, जवन नाम रखल रहू मौलाना रसीद, वही पकड़ लेता है और पकड़ करके ले जाते हैं। सब छुट गई ना संगी साथी,
है, पकड़ा गए रणजीत, पकड़ के ले जाते हैं और जेल में कैद कर दिए। हिंदुस्तान के भाइयों, बिहार सुना वाला पंचो, अगर फौजी पकड़ा जाला, भारत का फौजी अगर पकड़ा जाता है पाकिस्तान में, तो ओकर हश्र का होला? राजू भैया के ओर से 100 रुपया का पुरस्कार देके सम्मान किलन है। हार्दिक प्रणाम करते ही पूरा पंचन के एक स्वर्ण प्रणाम करते ही परिवार में मंगल होकर भैया के माता रानी का आशीष लगे, हर पंचन के लगे जे यहाँ आल है, सबके प्यार स्नेह दुलार मिलत रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वो तो बात सही है, जे देत हो हु के अजे ना देते ही कोनो मतलब नहीं होगा। खैर बहुत बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आ भैया पकड़ा गेलन है जेल के अंदर, लेकिन सवाल है, लोग कहल के अरे पकड़ा गए का कल हो, बहुत कल हो, मरल हो, बंद कर दिल हो। पकड़ करके उस जवान को और मारना जब शुरू करते हैं, धियाई है जब रात नाखून ये पकड़ करके और जब निकालते हैं बारी बारी से, एक नाखून निकाले तो कहे बता दे साले किस मनसूबे से आया था, पाकिस्तान में तेरी घुसने की जरूरत क्या थी, क्यों घुसा, किस लिए घुसा, तमाम सवाल खड़ा कर दिए। फौजी जवान कलस की मैं एक फौजी जवान हूं और मैं लड़ाई के दौरान गलती से आपके सीमा रेखा में चला आया। कहे ओहो पाकिस्तानी यार बोले, ओहो फौजी पूछा था फौजी, ओहो कोई चाल है ये बता नहीं रहा, दूसरा नाखून निकाले। भारत के फौजियों का शान क्या होता है, ये वर्दी अगर उतर जाए तो शान खत्म हो जाता है सेठ जी। फौजियों की शान मुछ बार और बेल्ट ना, फौजियों की शान ये वर्दी होती है। यही जगह पुलिस के देखला सादा में रही है तो क्यों उनके चीफ बन के ने क्यों सलाम करी, अगर वर्दी में आगे ना देखे ना सलाम साहब प्रणाम देख ले बात, पुलिस चला चाय पीला ना पिया कर रही खिया कर रही तबो खीबा पीबा साहब यहाँ तीन चहवाई पी लें हाँ तो लंग लटो चट लें ई हाल है। तो फौजी का जब वर्दी उतारते हैं जर्जर जर्जर रोवत हो भैया उस जलवा में का हाल करत हो पाकिस्तानी, यह माई बहन के बारे में पारंपरिक गीत लगे झाझर मड़ुआ जनि छवैला बाबा हो लगी हंसुरू जवा के जोत हो। बाहर माई बहन के गीत लोग गरियाइबो कर ले तब इन लोग के पैसा मिलला, इतनी इनके गाड़ी में इन लोग का गाड़ी भी निक लगे ले, अगर समधी के गरी आवे लोग तो तबो पैसा मिला ला, असमधी कहल गरी आवत इतनी बढ़िया इन लोग का गीत है। एगो इन लोग का गीत या करजवा के फाड़ दे, जेकरे घरे बहन बेटी हुई वो समझत हुई, माई कहली बेटी नियरा बियाह पे हो, माई कहली बेटी नियरा बियाह पे हो, बाबू कहल लंबी दूर हो। संगमा का हो रहा बा पंचो, वर्दी पिलाते हियां से, वर्दी पिलाते हियां से पापी उतरवाई ले लन, वर्दी पिलाते हियां से पापी उतरवाई ले लन, के बासु नहीं के फरियाद हो।
उतार लिए वर्दी बिल्ला और नंग वदन करके मारना शुरू करते हैं। बता दे हराम जादे कौना मंसूबा से आई लले हरे, काहे ना बताओ तारे कितना बेहया हो तुम, गाली देतू है लेकिन रसीदवा अपन चेहरवा रणजीतवा से मिलावत है। जो पाकिस्तान का वो फौजी है रसीद, वो अपना चेहरा मिला रहा कि साला इसका चेहरा तो हमसे मिल रहा है, ऐसा ये नहीं बताएगा, हम लोग मार भी देंगे साला नहीं बताएगा, इसको जेल में बंद कर दो और मैं पता लगाऊंगा कि साला किस मंसूबे से आया था, इसके चेहरे का फायदा उठा लूंगा। है भैया ओकर वर्दिया बिलवा लेके चलल है, अपने अपने वर्दिया बिल्ला लगा के जब चला है तो भाव है, पैसठ का लड़ाई खाता अरे भाई वही जूनिया वह वर्दी पहिर के देखन पाकिस्तानी चल रसीद कर खातिर जासूसिया हो, चल रसीद कर खातिर जासूसिया हो, हिंदुस्तानी बन के तो हो। भैया पहन करके वर्दी बिल्ला और हिंदुस्तान के ओर जो बढ़ा है तो भाव लगल है, भैया चला है जब हिंदुस्तान चट्टी पर उतरल जब रणजीतवा के पता लगाते लगाते लगा लिया किसी तरह से लगा करके और जब रणजीत के गांव पर पहुंचा लड़का कुल हल्ला करने जाए के ए माई अरे रणजीत भैया लड़ाई के मैदान माई आरती के थाल सजावो थी सजावत है कि हमार लाल लड़ाई के मैदान से आगे ना हाय 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 लेकिन वो का जान थे कि हमार लड़का नहीं रणजीतवा नहीं कोई और बा माँ बड़े प्यार से खाना बनौली है हमार लाल भूखा लाल हुई भाव लगल है टेरिक झड़ बहार बन जर्दी छा गई अरे पतझड़ बहार बन जर्दी छा गई ममता बिहस पड़ी मां देख के बिल्ला वर्दी 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 आय हाय 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 जब ही जाकर के पता लगाया किसी तरह से लगा के जब वो जाके माई के दुआरी पर खड़ा भेल माई लेली है आरती अपन उतारत है ले गई घर में बैठा के पानी उन्हीं पूछली है बचवा का हाल चाल बा तो वो तो ये समझा था कि उस फौजी की यह माँ है बा पता करूं इसे कि वो कहाँ गया है कैसे गया है क्या उसका मंसूबा था पूछा लगल माई माई बड़ा विनम्र स्वर में पूछे थे का पूछले है माई विदेशिया बा अरे ये कही समान दो ना कैसा कलियों सूरतियों आई अखिया न पहचान उहे जनमल सुगना माई ना पहचान थे कि हमारे रणजीत वाह के कोई और है सवाल के लिए हमाई का आ जा ऐला काला बेटा ए बेटा कब तक रहबा कितना छुट्टी लेके ऐला है अब ही लड़ाई चालू है कारे बेटा माई सवाल पर सवाल खड़ा कर लगली है कल ए माई हमन तो फौजी है यारे आज ऐली है भोरो में बोरिया बिस्तर बाना फिर भारत माई के सेवा बदे चल जाए तब माई कलस करे बेटा वो भारत माई के तू इतना माने लगला कि आज अपना माई के भुला गिला हमार के सेवा करी बेटा हमार के सेवा करी रे लाल
बात तो बात बढ़त जात हो। माई पूछली है कि आजा आइला कल बेटा जाया कै पयाना कैला, अरे फौजा के सिपाही खातिर हई कैसन बानिया मामा। अरे कैसन नियम रे, तोन भोरवर राती कही बा भोर में बोरिया बिस्तर बांध के कहबा की जात है। ए बचवा एगो बात हमार सुनला, काहे न तो बियाह कलत हुए, एगो घरवा में पतो है निक मध्य में आ जाई वही के जीव लेके आन मान करब तू सालो खाड़ पाइबा बेटा तब हमार काम चल जाए। जान तू भारत माई को खूब ना सेवा कर, हम तो दे दिले बानी खोला ना ही माई बियाह ना करब। कलस किए बेटवा तू हमसे चोरी करा लड़की जब से गैल हुआ ड्यूटी बैठा लड़की आवेले घरवा में, वो कहे लगी रणजीतवा हमार कापी लगल है किताब लगल है कलम लगल है हाई डायरी लगल है हाउ डायरी लगल है। ए बचवा वही से प्यार करे ले ना, काहे ना बियाह कर लेता बेटा, बियाह कर बेटा। कलस की ना माई हम बियाह तो ना करब, अब वो बात तू गिलवावल चाहत हो कुछ और माई से लेकिन भयल का कि हम के ना बतावला हो या बेटा प्रेम चोरी चोरी कैलो, अरे बहू से न मिलाबा जोहली रात दिन। रोज जोहले रे पगला तो के रोज जोहले ओहू से मिल ले कम से कम, मत बियाह करी है मिल ले। कल माई हम कहू से ना मिले, कल ना बियाह करबे ना मिलबे तो तोके ना जाए की हो। कल की माई जाए ना मन में बटवा, माँ रोने लगी और गुस्सा में लाल होकर के अपने बच्चे पे बरस पड़ी और बरस पड़ी तो एक बात बोल पड़ी माई। कौन बात बोले है? गीत बोले और विरहा के आखिरी गीत बा, बड़ी पुरान रामदेव स्थान से पढ़ जा। कि मोरी सारी प्यारी, अरे मोरी सारी प्यारी, अरे सारी रे तू कितने की सारी, बिहवा कला ना ना माई माई कह रहल बा कि डोली ले आताओ के बई थाई हो, अरे बई थाई हो बेटा रोल ना दुख राई, जब गुस्सी आ गई तो एगो भेद खोला जाती है माई। कलस की जाओ ना भी यहां करवे तू जो, लेकिन आज हम रोवत है ये बदे जानत में बेटवा, हमरे गोदिया में तो एक को लड़का ना रहले। कैसन माई बात ना समझ ली माई बतावे लगल, अरे गोदिया में रहला तू जुड़वा तू लरवा, लड़ाई हो यार लड़ाई हो बेटा रोल ना दुखाओ राई। बेटा तही हमारा गोदी में ना रले थे और लेकर रहल, ए माई हमार भाई ऊ के रहल। ए भैया जब दंगा भयल वही दंगा में भागत भागत एगो मौलाना के यहां गईली,
हमके बाइज्जत बॉर्डर पार करो लो करे बदले में हमारे छोटका लड़का ले लेलन जौना लड़का के बहुत प्यार कर दले बिटवा आज भी करे जा में दर्द होला कि लड़का हमारे जिंदा होई कि मर गल होई आज रहत तत फौज में जाते चाहे दुनिया के जहन्नम में जाते हमके कोनो कष्ट ना हो माई बोलते बोलते एठे सच्चाई और बता देलस अब तकर दिमाग घुमा लगल कि रे हाजी अनवर मौलाना तो मेरे अब्बू जान का नाम है इसका मतलब ये बूढ़ी माँ उस फौजी की माँ नहीं है ये मेरी माँ है और जिस भाई को जिस दुश्मन को दुश्मन समझ करके जेल में लाहौर कैद किया हूँ वो दुश्मन नहीं मेरा भाई है माई रोकत है कि ये बचवा इतना नारे एठे और सच्चाई सुन ला हीरा का बतौला माई पवन कलाई लगल मास्टर रहला जवन गोदिया हो मांग लहला अनवर मिया जो की मसजिदिया हो ए बेटा अब एगो और सच्चाई बताओ थी सुन लिया बचवा आज वह हम के बहुत बड़ा दर्द बा का भाई बोल रहा अरे सरहद सीमा तारो हक कराव दिल नहलावेला समय बाप से तोहरे हाय 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 हे बचवा वही भिड़िया में वही भगदड़वा में तुहार बाबू के साथ मन से छूट गए बेटा पता नहीं वो कहाँ हुए जिंदा हुए कि मर गए हुए कुछ पता नहीं चला ले बाबू हम तो तोहके पलली पोसली आज तू ऐसे कहत हुआ माई के को बतिया ओकर ध्यान न कि माई हमार का कहत बा ओके ध्यान ही बा कि जितना जल्दी लाहौर जलवा में जाए अब भैया के जाए कि छोड़ाई भोर हुआ है माई से आज्ञा ललक कल माई कुल तोर बात सही है आई तो ब्याह कर दुल्हन ले आई तो के पतोह देवई हमार वादा है हार मान जाती है माँ बेटवा के आगे माई हार मान ली है और माँ का पैर छुआ और बढ़ा है पाकिस्तान की तरफ तो भाव लगल मास्टर अल्लाह का से पाक में रस्सी दवा गायलिया हिंदुस्तान से पाक में रस्सी दवा गायलिया जलवा में बिलखत रहला जहवा बड़का भाई बढ़ाता बढ़ाता भागता फिरता हुआ पहुंच तो गया पाकिस्तान लाहौर के जलवा में गल है जहां कैद कैले है रणजीत के गया है रणजीत के पास कलस के भैया झटक दिया कल हट जाओ साले दुश्मन
तुम फिरंगी हो साले, तुम तो अंग्रेजों से भी ज्यादा गद्दार हो, कोई साजिश है। तब मुझे भैया कह रहे हो मारना चाहते हो तो साले सामने गोली मार दो, सीने में गोली मार दो। भाई मत कहो, तुम दुश्मन हो। कलश के ना भैया, हम तो हर पाकिस्तान में बिछुड़ल हर छोटका भाई रसीद है भैया, का कब माई ना बतौले रहल। याद आ रहा है भाई को कि माई तनी से बता के अब बतिया दबा दलस। कलश की किस्मत का साथ छूटल छूटली मातारिया, अरे वक्त ढले हमके पाकिस्तानिया बनाया, अरे जेल से भगा देला रात अधियारी। कलश भैया पहचाना भैया, हम तोहर दुश्मन ना, हम तोहर छोटका भाई है भैया। अरे बाप रे बाप, गले में मिल करके दोनों भाई, सावन भादो की तयास गिरत है रोवत हुए, गले मिलन है। छोटका भाई रसीदवा कलश की, भैया आज करात बिताल आई, यहाँ कल करात तहर हिंदुस्तान में बीती, यह छोट भाई का वादा है। आय हाय 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 बाबूजी, कल की जब बेल आती है, सुबह हुआ रात हुई, जेल से किसी तरफ बड़े भाई को भगा दिया और लेकर के स्वयं भाग रहा है। भागते 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 बाघा बॉर्डर नहर पे आता है। जो भाई फौजी जवान होंगे वो जानते होंगे, बाघा बॉर्डर एक बड़ी नहर है, नहर उस पार पाकिस्तान और इस पार हिंदुस्तान। और एक सवाल साफ आपको कर दूं कि मेरे फौजी जवान जो भारत के थे, जो पहले पकड़े जाते थे पाकिस्तान में, जो पकड़े जाते थे, इनकी गलती नहीं थी, वो जो जमीनी का बंटवारा जो था वो सही नहीं हुआ था, इसीलिए हमारे फौजी जवान पाकिस्तान में पकड़े जाते थे। वो तो ये जानते थे कि हम अपने ही धरती पर हैं, जब आके पकड़ ले सो तब पता लगा ये तो हम पाकिस्तान में आ गए, पूरा घुस गए। लेकिन आज छोटा भाई बाघा बॉर्डर बॉर्डर नहर पर लाता है और बड़े भाई से कहा कि भैया नहर में कूद जाइए, कूद जाइए भैया और उस पार हो जाइए। कहना करे तोरे खातिर माही रोवे ले, हमके कहो भैया पार हो जा, पहले तू कूद। बड़ा भाई कहा कि ना पहले तू कूद, छोटका भैया कलश की नहीं, पहले तू कूद। अच्छा यही कुल करे में बतिए का बड़ा गिल भैल का, अरे हम यौरिया तब हो गईली समैया, अरे हम यौरिया तब हो गईली समैया, अरे पाकिस्तानी फौजियन से गईल हो फेराया, अरे तब ने रस्सी धक्का देला पिछवा से, भैया तू पहले कूदा, तू पहले कूदा। दोनों भाइयन में हम और आप में बड़ी देरी हो गई, जेल के अंदर देखे, अरे साला हिंदुस्तानी फौजी तो भाग्या भाग्या भाग्या। अलार्म बजता है, कमांडर आए, कहे कि भाग करके कहां जाएगा, घेर लो बाघा बॉर्डर नहर को। ए भैया कुछ देर के बाद बाघा बॉर्डर के घेर लेना सब, देख लिया रणजीत, सॉरी देख लिया रशीद, अब हम दोनों भाई महाराजा जी
पाकिस्तानी पलटन सीमा के लोग घेर लिए, हम लोग दोनों भाई मारे जाएंगे। काहे न बड़का भाई आके धक्का दे दे। बड़े भाई रणजीत को धक्का दिया है नहर में, और रणजीत जब नहर में कूदा तो पौंडते हुए पार हो गया। भैया कहला कि तहु कूद, जब ही रसीद कूदना चाहता है, पाकिस्तानियों ने देखा, कहा अरे ये तो हमारा कमांडर है और ये साला देश का गद्दार निकला, मार दो गोली साले को। जब ही नहर में कूदा जा था, तैयारी बनोरस कूदी, तबले अनगिनत गोली आकर के सीने पीठ में लगती है, सर में लगती है। दृश्य ऐसा आया बाबूजी, एक भाई नहर उस पार है और एक भाई नहर इस पार है। छोटा भाई रोकर के बड़े भाई से, और बड़ा भाई रोकर के छोटे भाई से कह रहा है कि भैया तू हमार बतिया नान मल्ला पागल, अगर मल्ले होता हमार भाई दशा ना भैल उतरे पगला। कहा कदला भैया हमें बचा के, और पूरा गोली अपना सीना पर ले ला भैया, गलत कैला भैया। छोटा भाई रो रहा कि भैया घबरा मत भैया, हाथ से इशारा कर रहा है, और इशारा करते हुए एक बड़ी खूबसूरत बात बोला है अपने बड़े भाई से। क्या कहा है भैया आखिरी? भैया घर जाइया ना भैया, तो एगो हमार माई से संदेश कह दिया। का कह दिया? माई से तना कह दिया कि त्वार लाल शहीद हो गया, सो गया भारत माँ के आंचल में। भले मारा गया हूँ पाकिस्तानियों की गोली से, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बड़का भैया रोवत हुए, एक बात और छोटका भैया बड़का भैया से कहर बात का, एगो वादा कह के आए भैया, वो वादा जरूर निभा दिया कि पूनम से शादी कई के वादा तू निभाई हां। अरे भाभी पाकिस्तानी आके संदेश भेजवाई है, वादा माई से ककया लई कि जो ने पूनम लड़की से प्यार करला भैया, उसे ब्याह करके माई के पतो घर में लिया दिया भैया, हमार भी शादी हो गई ला, कौनो मैसेज जरूर पहुंचा दिया, हमारे दुल्हन का नाम सलमा बा, ई जरूर कह दिया कि तहार पति शहीद हो गेलन। धन है ऐसे ऐसे वीर, इह कहत छटका भैयावा का सांस अब तक हो रहल बा। हुआ क्या कि ये ताना कहती आज कर रुकी गई ससियान।